नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को गांव की सैर कराते हैं। शहर से लेकर के गांव में क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल है, गांव दिखाएंगे। शहरों में तो बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत गांव में भी देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो दिल है वो एक तिहाई गाँव में ही बसता है, इसलिए हम आपको गाँव की सैर कराते हैं। चलिए शुरुआत हम अपने गांव के तालाब से करते हैं। ये गांव का तालाब है, बच्चे खेल रहे हैं। गांव में बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है दोस्तों, जहां तक आप लोगों ने देखा होगा। शहरों में भी खूबसूरती है, लेकिन जो गांव का एक माहौल है, एक आनंद है, वो एक अलग ही है। गांव में एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही प्रतिभा है। देखिए किस तरीके से हरियाली चारों तरफ घूम रही है, और हम देख पा रहे हैं चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कच्चे मकान हैं, खेत खलिहान हैं, जानवर हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। शहरों में चीज़ें मिलती हैं देखने को, लेकिन ये इस तरीके से लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं। शहरों गांव में जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। देखिए तालाब में किस तरीके का नज़ारा है, पंछी चहचहा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। दोस्तों ये हमारा ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है कि हम आप लोगों को गांव की मिट्टी को आप लोगों तक पहुंचा सकें, दिखा सकें। देखिए कच्चे मकान, इसको खपरेल मकान कहते हैं, मिट्टी से बनाए हुए ये कुछ लोगों ने, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। कहीं कहीं आपको नज़ारा सुंदरता मिल जाएगा। देखिए तुलसी का पेड़ जहाँ पर हम पूजा करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी का बर्तन है, पानी पीते हैं, इन्हीं में पूरा इस्तेमाल पानी से करते हैं। तुलसी का पेड़ देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। गांव में रहने वालों की ज़िंदगी को जीने का मकसद सिर्फ एक ही है, उनका अलग ही जीवन है। कहीं कहीं आपको इस तरीके से सीसी रोड मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह इस तरीके का नज़ारा नहीं होता है। कच्ची सड़कें, कच्चे लोग, बहुत ही अलग ही जीवन है। देखिए कच्ची सड़कें हैं, हर जगह अलग ही नज़ारा है। दोस्तों इस तरीके का जीवन जीने के लिए कुछ लोग तरसते हैं, शहर की ज़िंदगी से, भीड़ भाड़ भरे जीवन से अलग। बरसात का मौसम, कच्चे मकान, कच्ची गलियां, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सौंधी खुशबू आती है जब, बड़ा ही मन मोह जाता है। अलग ही पहचान है हमारी मिट्टी की, हमारे देश की। दोस्तों यहाँ पर हर जगह गाय जानवर देखते रहिए, कितना सुंदर नज़ारा है। हर जगह की एक अलग पहचान होती है। हमारे भारत में गांव-गांव में बसता है हमारा भारत, देख सकते हैं आप सब लोग, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कच्ची गलियां, जगह जगह पानी का अंबार भरा हुआ है, बहुत ही सुंदरता दिखती है। कभी कभार हमें ऐसे जीवन में भी आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ पर कुछ ना होते हुए भी हमें लगता है कि जैसे सब कुछ है हमारे पास। खेत हैं, पहाड़ हैं, कच्चे मकान हैं, गांव का एक अलग ही नज़ारा होता है। दोस्तों देखिए किस तरीके से लोग अपना जीवन बसर करते हैं, बड़ी सुंदरता होती है गांव में। हम जब भी अपने गांव में रहते हैं, हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। गांव का एक अपना रीति रिवाज है, अपना एक अलग ही माहौल है, बड़ी सुंदरता है गांव में। गांव का परिवेश
हर व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता है, किंतु जो व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। खेत खलिहान दिखते हैं, राई सरसों लगा हुआ है, पेड़ हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। प्रकृति का जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है वो गांव में भी मिलता है। शहर में हर चीज़ बनावट से बनी हुई मिलेगी आपको, लेकिन ये जो गांव है, गांव में एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है। हर जगह एक अलग माहौल रहता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम की ओर क्यों भागते हैं, जबकि सुंदरता गांव में ही बसती है। चारों तरफ नज़ारा एक अलग ही है, सुकून भरी जीवन, जहाँ पे पेड़ों पे पंछी चहचहा रहे हैं। ये जानवर हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको, इनके पाँव में कुछ बेड़ियाँ टाइप की डाल रखी हैं लोगों ने, कच्चे मकान हैं, ताकि जानवर फसलों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ। लेकिन ये तकलीफ़ देने लायक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अपनी बकरियों के लिए चारा ले जाते हुए पेड़ से कुछ टहनियाँ तोड़ रहे हैं जनाब। देखिए सुबह का माहौल है, कितना सुंदर नज़ारा है। मुझे तो एक बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इस नज़ारे को देखते हुए। मैं बहुत अद्भुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही आनंद आता है इस तरीके के जीवन जीने में। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपने गांव, खेतों, खलिहानों का आनंद ज़रूर उठाएं और इसका प्रकृति का मजा लें। प्रकृति एक अलग ही सुकून देती है जीवन जीने का। शहर की दूर शोरगुल वाले इलाकों से, धूल मिट्टी से, गाड़ियों से हम बहुत अलग हैं, अलग ही जीवन जी रहे हैं। दोस्तों हमारा ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों को गांव और प्रकृति, नेचुरल चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव काफ़ी विकसित हो चुके हैं आज के दौर में, गांव में काफ़ी विकासशील चीज़ें हो चुकी हैं, सड़कें हैं, मकान हैं, रोडें हैं। ये देखिए टावर लगे हुए हैं, हर चीज़ की उन्नति हो रही है। गांव ऐसा नहीं है, पहले जैसे गांव नहीं बचे हैं, किंतु गांव का एक अलग आनंद है, अलग ही अद्भुत अनुभूति होती है। आप सब लोगों को भी अपने अपने गांव की तरफ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ समय निकाल करके अपने गांव को देखें, वहां का आनंद लें। मुझे तो दोस्तों बड़ा ही आनंद आता है गांव की प्रकृति में, गांव के आनंद में, और मैं उम्मीद करता हूं सभी व्यक्तियों को आनंद आता है, क्योंकि हमारा भारत गांव का प्रदेश है, गांव का देश है, इसीलिए हर व्यक्ति गांव से वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है गांव के बारे में, सभी लोग गांव के बारे में जानते हैं। किंतु हमारा बताने का मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों, हम ये ब्लॉग बना करके कुछ अपने आप को मिट्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश में रहने वाले लोगों को, जो शहरों की धूल मिट्टी से, जिनको समय नहीं मिलता है गांव जाने का, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गांव में सुंदरता कितनी है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमियां हैं, किंतु हर जगह कुछ ना कुछ कमी बनी रहे, यह भी तो प्रकृति का आनंद है। पहाड़ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। गांव का एक अलग आनंद है। आप सब लोग अपने अपने गांव कब गए थे ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं गए हैं तो कब जा रहे हैं ये भी बताएं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
इस तरीके से ब्लॉग हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आप लोगों का आनंद इसी तरीके से हम करवाते रहेंगे। गांव की मिट्टी को ज़रूर देखते रहिए, गांव के माहौल को देखते रहिए, सुंदरता आपको नज़र आएगी। प्रकृति का आनंद लेते रहिए, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए कितना प्रकृति में कितना आनंद है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है जब मैं अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ, बड़ा सुकून मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सपोर्ट करें।